एक ही परिवार के 3 सदस्यों के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपात बैठक बुलाई, बल्कि झुंझुनू में भी अधिकारी देर रात तक इस खतरनाक बीमारी से लड़ने और लोगों को बचाने के लिए योजना बनाते रहे। आज झुंझुनू शहर में 1 किलोमीटर दायरे में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं 3 किलोमीटर दायरे में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जांच के भी आदेश जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू शहर में 8 मार्च को इटली से आया एक परिवार कोरोना पॉजिटिव निकला। बुधवार को जो ही यह परिवार सामने आई, न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। वहीं झुंझुनू के लोगों में भी अब कोरोना का डर सताने लग गया है। बताया जा रहा है कि रोड नंबर 2 पर रहने वाला एक व्यक्ति परिवार के साथ 8 मार्च को इटली से अपने घर लौटा था। उसके बाद से हालांकि उसे होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन कल उसमें कोरोना के लक्षण दिखने के बाद जब उसके सैंपल जयपुर भेजे गए तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिसके बाद परिवार के 3 सदस्यों पति पत्नी और उसकी 2.5 साल की बच्ची को बीडीके अस्पताल के स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया। यही नहीं, अब कलेक्टर ने इस क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे को डिसइन्फेक्शन करने के लिए भी टीमें लगा दी है और इस परिवार के संपर्क में आए लोगों की भी ट्रेस किया जा रहा है। झुंझुनू जिले में पिछले दिनों इटली से 3 लोग आए थे। 3 लोगों, एक फैमिली थी, एक बच्चा, फैमिली में वाइफ हस्बैंड थे और एक बच्चा था उनका। वो होम आइसोलेशन में थे, उनकी रेगुलर चेकिंग हो रही थी। कल उनकी तबीयत थोड़ी सी हल्की सी नासाज हुई तो उनका चेकअप किया गया और आइसोलेशन में हमारे सिटी हॉस्पिटल में उनको रख दिया गया। आज उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। साथ में ही शहर में सब जगह डिसइंफेक्शन करवाने की तैयारी कर रहे हैं और कल से घर घर जाके सर्वे करवाएंगे। और जो जिन लोगों के वो संपर्क में आए हैं उनकी ट्रेसिंग कर ली गई है, मैक्सिमम ट्रेसिंग हो गई, कुछ बाकी है तो उनकी भी ट्रेसिंग कर रहे हैं। जो जो संपर्क में आए सबका बाकायदा उनका स्क्रीनिंग करेंगे और तदनुसार काम करेंगे। कलेक्टर ने बुधवार को देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया कि 2 दिनों तक रोड नंबर 2 के पास पड़ोस के 1 किलोमीटर एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है। सभी लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं ताकि सभी की जांच चिकित्सा विभाग की टीमें कर सकें। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए संबंधित परीक्षा केंद्र पर ही स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल मुख्यालय पर गुरुवार सुबह से 350 टीमें घर घर जाकर सर्वे करेगी। साथ ही एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी काम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह आदेश 2 दिनों के लिए जारी किया गया है। परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है। झुंझुनू में शहर में रोड नंबर 2 पर एक परिवार के 3 सदस्य कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि वो लोग किन लोगों के टच में आए हैं उनकी स्क्रीनिंग स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग की जानी है। अतः कल दिनांक 19 मार्च को पूरे रोड नंबर 2 के 1 किलोमीटर के दायरे में सिटीजन्स को ये आदेशित है कि वो अपने घरों में रहें, घरों के बाहर नहीं निकलें, नंबर 1। लेकिन स्कूल में जो परीक्षाएं चल रही हैं वो बच्चे अपने स्कूल की परीक्षाएं दे सकेंगे और जब वो स्कूल में एग्जाम दे लेंगे उसके बाद उनकी वहीं पर स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही पुलिस और मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर से इस छूट से फ्री रहेंगे। कल इस आदेश के साथ ही 350 टीमें बनाई गई हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे में झुंझुनू शहर में स्क्रीनिंग करेगी और साथ में डिसइन्फेक्ट कर घरों को डिसइन्फेक्ट और एरिया को डिसइन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगी। सिटीजन से आग्रह है कि वो अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए वो अपने घरों के अंदर रहें और ये आदेश अभी केवल 2 दिनों के लिए लागू किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन संभव है।
कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि शहर के बीचों बीच से बसों का आवागमन भी बंद कर दिया गया है। वहीं रोडवेज ने बस डिपो को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब शहर की रिंग रोड से ही बसों का आवागमन हो सकेगा। कलेक्टर खान ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पीड़ित परिवार को अभी रेफर करने के केवल चर्चा है, लेकिन निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि उनकी हालत खराब नहीं है। उन्होंने बताया कि जो लोग इनके संपर्क में आए उनको ट्रेस कर लिया गया है, उनकी भी जांच की जाएगी और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। बारे में जो भी निजी या सरकारी इस क्षेत्र के अंदर 1 किलोमीटर दायरे में आने वाली हैं, जो रोड नंबर 2 के 1 किलोमीटर दायरे में, वो बसों का मूवमेंट बिल्कुल बंद रहेगा। कोई भी प्राइवेट या निजी बस इस क्षेत्र से निकलेंगी नहीं। वो अपने बाहर के क्षेत्र में अगर संभव है तो चलाएं, बाकी इस क्षेत्र में उनका मूवमेंट नहीं रहेगा। इनपे रेफर करने के बारे में अभी इनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है, स्थिति उनकी खराब नहीं है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव मिले हैं इसलिए थोड़ी सतर्कता बरत रहे हैं। कर्फ्यू लगाने का एकमात्र मकसद लोगों को मूवमेंट से फ्री रखें, जिससे घरों में जाके हमारी टीमें उनकी जांच कर सकें, और मूवमेंट में स्ट्रिक्ट पाबंदी रहेगी तो हमारी जांच टीमों को जांच करने में सुविधा मिलेगी। अभी चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनली फैसला लेट होगा, उसमें क्या करना है। पे जो ट्रेसिंग की गई है तो उनके घर के लोग हैं, 6-7 लोग हैं, उनके घर के 3 वो हैं, उन लोगों का आपस में इंटरेक्शन रहा हुआ है। बाकी तो जो बीमार हैं वो लोग घर के आइसोलेशन में थे, और जब कल उनकी थोड़ी सी सिम्टम्स आने लगे तो कल उनको आइसोलेशन में हमारे हॉस्पिटल में रखा गया है। रही बात और दूसरे लोगों के, उनकी जांच की जा रही है, जांच करके उसी जांच को मद्देनजर रखते हुए 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया है। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हुई बैठक में झुंझुनू में ही कोरोना वायरस की जांच के लिए सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिनकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, फिर भी इसे जल्द शुरू करवाने की कोशिश होगी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू से सरकारी कार्यालयों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा गुरुवार को न केवल स्टेट बल्कि सेंट्रल टीमें भी आकर मोर्चे को संभालेगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे पैनिक ना हो, धारा 144 हो या फिर कर्फ्यू, यह सब जनता को अश्योर करने के लिए है ताकि सभी की जांच हो और इन्फेक्शन बढ़े नहीं। हमारी जो जानकारी है, जो मेडिकल टीम है और जो इनसे स्क्रूटनी की है, पीएमओ, हमारे पीएमओ ने, उसने बताया कि उनका मूवमेंट नहीं हुआ है, उनका मूवमेंट बाहर नहीं हुआ है। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेस विज्ञप्ति आई है और विस्तृत आदेश शीघ्र ही आने वाले होंगे। तो सर क्या उसमें फैसिलिटी के लिए चर्चा है? इस पे विचार विमर्श जारी है। सर कोई मैसेज? ऑफिसों में बेसिकली उस दायरे से अभी तो बाहर रखा है, इस पे विचार विमर्श जारी है। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हुई बैठक में झुंझुनू में ही कोरोना वायरस की जांच के लिए सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिनकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, फिर भी इसे जल्द शुरू करवाने की कोशिश होगी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू से सरकारी कार्यालयों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा गुरुवार को न केवल स्टेट बल्कि सेंट्रल टीमें भी आकर मोर्चे को संभालेगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे पैनिक ना हो, धारा 144 हो या फिर कर्फ्यू, यह सब जनता को अश्योर करने के लिए है ताकि सभी की जांच हो और इन्फेक्शन बढ़े नहीं। कल सेंटर की टीम और स्टेट की टीमें आ रही हैं, जो कल यहां पर सारी चीजें मेडिकल की टीमें मॉनिटर करेंगी। जहां तक जनता से मैसेज है, जनता को सबसे बड़ा मेरा यह आग्रह है कि वो पैनिक नहीं हो, रिलैक्स होकर रहें। हम कर्फ्यू या 144 जो लगाई है 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू, और बाहर जो राज्य सरकार ने 144 लगाए 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर, उसका मकसद केवल जनता को एश्योर करना है कि हम सतर्क हैं और हम जांच करने के लिए लोगों का सहयोग अपेक्षित है। घरों में मिलेंगे तो हमारी टीमें जांच करेंगे, और साथ में लोगों को इस बीमारी में अगर कोई इन्फेक्टेड होगा तो इस बीमारी से उन लोगों को बचाना है।